फैक्ट नंबर वन गाइस, आजकल कुछ लोगों को एक सरदार पर जोक बनाना बेहद आसान लगता है, बजाय ये सोचने के कि हमारे सरदार भाइयों ने हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। और इन्हीं में से कुछ असामाजिक लोग ऐसे भी हैं जो सरदारों पर ये जोक भी सुनाते हैं कि 12 बज गए, लेकिन असल में उन्हें इस जोक के पीछे का असली सच तक पता नहीं है। दरअसल ये बात है 17वीं शताब्दी की, जब भारत पर मुगल शासक नादिर शाह ने आक्रमण किया था और उसकी सेना ने बड़े पैमाने पर नरसंहार किए। इस नरसंहार में महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया, उन्हें बंदी बनाया गया, उनके साथ बदसलूकी भी की गई। नादिर शाह की सेना बहुत बड़ी और ताकतवर थी, सिर्फ हौसले के दम पर उसे हरा पाना मुमकिन नहीं था। इसलिए सिखों ने गुरीला युद्ध रणनीति अपनाई और आधी रात को 12 बजे नादिर शाह की सेना पर हमला करके उन महिलाओं को आजाद करवाया था। गाइस, अब आप ही बताइए, ऐसे वीरता और साहस के प्रयास सरदार भाइयों को 12 बज गए कहकर उनका मजाक बनाना कितना सही। फैक्ट नंबर टू गाइस, इस बार का T20 वर्ल्ड कप एक अलग अंदाज में दिख रहा है। छोटी टीमें अपने हौसले से बड़ी बड़ी टीमों को मात दे रही हैं और अब तो इस T20 वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर हो चुका है। जी हाँ गाइस, जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान की टीम को हराकर इस वर्ल्ड कप से उसे बाहर होने की कगार पर खड़ा कर दिया है और हराया भी ऐसा कि पाकिस्तानी टीम के हौसले पस्त हो चुके हैं। मतलब कि ऐसी हार जिसके बाद पाकिस्तान में टीवी जरूर फूटे होंगे। दरअसल जिम्बाब्वे ने गजब का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी टीम को 131 रन का छोटा सा स्कोर भी नहीं बनाने दिया, यहां तक कि सिर्फ 3 गेंदों पर 3 रन भी नहीं बनने दिए।